नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के संदर्भ में, और हमने प्रमुख कालखंडों की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए प्रमुख कहानीकार किस कालखंड में अवस्थित है उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रमुख कहानी और कहानीकारों के संदर्भ में, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और जो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, उस संदर्भ की आज हम बात करेंगे। मित्रों, प्रारंभिक दौर की कहानियों में प्रारंभिक दौर की किन किन कहानियों को हमें याद रखना है, इस संदर्भ में कुछ कहानियों की हमने पहले बात कर ली थी, जैसे इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, उसने कहा था, ग्राम आदि, जो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है जिस पर हमने विस्तार से विचार किया। उस पहलू से देखिए, इंदुमती के बारे में आपको फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इंदुमती कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है और रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहली कहानी माना है, और इसके रचनाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। और किशोरीलाल गोस्वामी की यह कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में किस पत्रिका में छपी, सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि 1906 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे उपन्यास में तब्दील कर दिया और इंदुमती वा वन विहंगनी के नाम से इसके प्रकाशित करवाया। इंदुमती वा वन विहंगनी नाम से उपन्यास रूप में 1906 ईस्वी में प्रकाशित कराया। वैसे विलियम शेक्सपियर की जो कहानी है टेम्पेस्ट, जिसका बांग्ला में अनुवाद हो चुका था, तो टेम्पेस्ट के बांग्ला अनुवाद का आरोप की यह रचना बांग्ला अनुवाद का भी अनुवाद है। किस पे आरोप लगाया गया, इंदुमती पर यह आरोप लगाया गया। तो एक तो आप पहलू ये ध्यान रखेंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेम्पेस्ट के आधार पर किस कहानी का निर्माण किया गया, तो भी इसका उत्तर होगा इंदुमती। और 1900 ईस्वी में माधव प्रसाद मिश्र की कहानी, अब मैं यहां बोर्ड पर उन कहानियों के नाम लिख रहा हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है, और हमको जानना है कि उस कहानी के राइटर कौन है, क्योंकि दो क्वेश्चन तो इसी बात से उठाते हैं वो। तो ये घटना है 1900 ईस्वी की, माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता, यह कहानी 1900 ईस्वी में सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रहे, 1900 ईस्वी में सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई। और प्लेग की चुड़ैल कहानी, वह भी आपको विदित होनी चाहिए, 1902 ईस्वी में प्लेग की चुड़ैल, और प्लेग की चुड़ैल कहानी किसने लिखी, लाला भगवान दीन ने, जो नेट की परीक्षा में पूछी हुई है। लाला भगवान दीन ने 1902 में प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी है, जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सरस्वती। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को किस पत्रिका के साथ जोड़ करके देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के साथ जोड़ करके देखते हैं। इसी बीच एक कहानी जो हम बात कर चुके हैं पहले भी, 11 वर्ष का समय, कहानी किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, और यह कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में 1903 में प्रकाशित हुई। ध्यान रहे,
वैसे आप पहले भी इन बिंदुओं को नोट कर चुके हो, लेकिन आपको विदित होना चाहिए कि 1903 ईस्वी में 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय और 1907 ईस्वी में दुलाई वाली, ये दोनों कहानी कहां प्रकाशित हुई? ये दोनों कहानी सरस्वती में इस समय में प्रकाशित हुई थी। यानी कि 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसको लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं और दुलाई वाली कहानी बंग महिला ने लिखी है। बंग महिला जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि बंग महिला की तीन कहानी, यानी कि राजेंद्र बाला घोष की तीन कहानी, जिसमें एक दुलाई वाली तो है ही, इसके अलावा दो कहानी और ध्यान रखेंगे आप। एक तो कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू, ये दो कहानी इनकी बहुत चर्चित है दुलाई वाली के अलावा, और एक चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें। और चंद्रदेव से मेरी बातें जो एक कहानी है जो 1901 के आसपास लिखी गई है कहानी, ये कहानी हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी जाती है। और आलोचक का नाम पूछे तो भवदेव पांडे के अनुसार यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। कौन सी कहानी? चंद्रदेव से मेरी बातें। तो बंग महिला की तीन कहानियां आप ध्यान रखेंगे, कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली तो पहली कहानी की बहस के केंद्र में है ही। एक कहानी आप गिरजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, प्रत्येक कहानी के आपको वर्ष को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक बिंदु बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। गिरजादत्त वाजपेयी की कहानी का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी कहानी बहुत चर्चित है, वो है पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी कहानी के रचनाकार कौन है? गिरजादत्त वाजपेयी। हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रारंभिक दौर की कहानियां, और ये वो कहानियां हैं जो प्रेमचंद युग से पूर्व की चर्चित कहानी है। और इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी वृंदावन लाल वर्मा की प्रकाशित होती है 1909 ईस्वी में। ध्यान रहे, यद्यपि वृंदावन लाल वर्मा अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए काफी चर्चित रहे हैं और इन्होंने चर्चित कहानियां भी लिखी हैं, पर इस संदर्भ में इनका एक प्रसंग तो ऐसा है जो कहानी संसार में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनाता है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई कहानी लिखी। ये कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा की जो कहानी आप देख रहे हैं राखी बंद भाई, ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रहे, और ये कहानी सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित हुई, इसकी ऐतिहासिकता इस बात में निहित है कि यह हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है, पहली ऐतिहासिक कहानी है। अभी जो हमने बात की थी चंद्रदेव से मेरी बातें, वह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी गई है, और यह हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है राखी बंद भाई। हालांकि विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी शरणागत नाम से कहानी लिखी है, वो एक अलग है, शरणागत के नाम से प्रसाद की भी एक कहानी मिलती है, लेकिन ये राखी बंद भाई के नाम से है, तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं हम प्रेमचंद के समय में आते हैं, तो देखिए प्रेमचंद के बारे में सवाल कहानी से बराबर आता रहता है। प्रेमचंद प्रारंभ में कुछ उर्दू पत्रिकाओं में लिखते थे, जैसे जमाना निकलती थी और जमाना के संपादक इनके मित्र हुआ करते थे दया नारायण निगम। बल्कि सच तो यह है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम ही दया नारायण निगम ने दिया है, क्योंकि जब प्रेमचंद का 1910 में सोजे वतन जब्त कर लिया गया था और प्रेमचंद को ब्रिटिश नौकरशाह ने हाथ काटने की धमकी दी थी, और उस समय ये धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। तो प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से इनकी कहानियां छपती थी। जब इनको हाथ काटने की धमकी मिल गई तो बड़े उदास से बैठे थे, और दया नारायण निगम जो इनके मित्र थे और जमाना के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम अपना नाम प्रेमचंद रख लीजिए। तो तब से इनका नाम प्रेमचंद हो गया। तो ध्यान रखें, प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की कहानियां जमाना पत्रिका में निकल देती है, आपसे पूछ सकते हैं। और प्रेमचंद की जो प्रारंभिक दौर की कहानियां जमाना पत्रिका में निकलती थी और इसके संपादक थे दया नारायण निगम। और दया नारायण निगम इन्होंने ही प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम दिया था। इन्होंने ही प्रेमचंद को इन्होंने ही प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम दिया था का नाम दिया था वरना प्रेमचंद लिखते किस में थे? तो प्रेमचंद का एक तो वास्तविक नाम धनपत राय, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, और प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रारंभ में ये किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे, और बाद में जब इनका सोजे वतन जब्त हो गया तो फिर ये प्रेमचंद नाम को लेकर के साहित्य जगत में अवतरित हुए। और प्रेमचंद की जो प्रारंभिक दौर की कहानियां थी वो किस पत्रिका में छपती थी? जमाना में। और बाद में इनकी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। 1915 में सौत कहानी प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद की पहली कहानी सौत। पंच परमेश्वर सरस्वती में 1916 में प्रकाशित हुई। उसी प्रकार 1916 में इनकी कहानी है सज्जनता का दंड, ये प्रकाशित हुई। ईश्वरीय न्याय 1917 में, दुर्गा का मंदिर ये भी 1917 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से कहानियां इनकी प्रकाशित होती है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। और प्रेमचंद ने हर प्रकार की कहानी लिखी, आदिवासी कहानी, एक प्रकार से के दलित जीवन की कहानी, राजनीतिक कहानी, सामाजिक आर्थिक पहलू की कहानी, व्यंग्यात्मक कहानी, आदर्शवादी कहानी, लेकिन इन्होंने प्राय ऐतिहासिक कहानियां नहीं लिखी है। ये मैं आपको पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं। और सरस्वती में लिखने से पहले जमाना और एक पत्रिका और थी अदीब नाम से। जमाना और अदीब ये दोनों उर्दू पत्रिकाएं थी। तो प्रेमचंद प्रारंभ में जमाना और अधीब उर्दू पत्रिकाओं में छपते थे, बाद में सरस्वती में छपने लगे। अब यहां पर एक दिक्कत यह है कि प्रेमचंद की पहली कहानी जब हम पढ़ते हैं विभिन्न किताबों में तो वह हमको अलग अलग लिखी मिलती है। अब देखिए प्रेमचंद की अलग अलग कहानियां, प्रेमचंद की जब प्रथम कहानी की बात करते हैं हम, कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी, तो देखिए प्रेमचंद की प्रथम कहानी में कहीं तो नाम मिलता है सौत का, कि प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो सौत है। कहीं प्रेमचंद की पहली कहानी के नाम से नाम मिलता है पंच परमेश्वर का, कि भाई प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर है। कहीं लिखा यह मिलता है कि प्रेमचंद की पहली कहानी है बड़े घर की बेटी,
बड़े घर की बेटी। और कहीं आप सोजे वतन भी लिखा देखते हैं। एक कहानी परीक्षा में लिखी मिलती है, पहली कहानी यह भी है। प्रेमचंद की पहली कहानी में एक बलिदान का भी नाम आता है, और प्रेमचंद की पहली कहानी में दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन भी लिखा मिलता है। और प्रेमचंद की पहली कहानी में ध्यान रखेंगे, एक है कहानी इसकी दुनिया वह हुबे वतन, इसकी दुनिया वह हुबे वतन। अब ये तमाम जो कहानियां आप देख रहे हो, चाहे सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सोजे वतन, परीक्षा, बलिदान, दुनिया का अनमोल रतन और इसकी दुनिया वह हुबे वतन, ये सब प्रेमचंद की पहली कहानी है। ऐसा जगह जगह लिखा मिलता है और इसे विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होता है कि यार अब क्या करे, क्या माने इसका उत्तर। तो मित्रों देखिए, इन सबके प्रसंग अलग अलग हैं। असल में सबसे पहले यदि हम सौत की बात करें तो सच तो यह है कि सौत कहानी तो इन्होंने 1907 में ही लिख दी थी, और यह कहानी जो 1907 में इन्होंने लिखी है ये असल में प्रारंभ में इन्होंने उर्दू में लिखी थी, बाद में सरस्वती पत्रिका में ये इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई तो 1915 में। तो चूंकि सरस्वती पत्रिका में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई है और छपी थी देवनागरी हिंदी में, तो सौत कहानी को आमतौर से इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। और कई जगह जो क्वेश्चन है उसमें सौत उत्तर सही माना गया, तो मैं आपको रेफरेंस कर देता हूं सबका क्लियर कि सब अलग अलग उत्तर कैसे मानते हैं। तो सौत बिल्कुल सही है, प्रारंभ में 1907 में उर्दू में लिखी गई थी, बाद में इसको हिंदी में देवनागरी में अनुवाद करके 1915 में सरस्वती में छाप दिया। इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्रेमचंद की सरस्वती में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है, सौ। और अब ये प्रश्न रूढ़ हो चुका है प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, तो उसका लगभग उत्तर मान लिया जाता है वो है सौ। अब देखिए पंच परमेश्वर का नाम फिर क्यों आता है, कहीं कहीं पंच परमेश्वर लिखा आता है। अब पंच परमेश्वर सरस्वती पत्रिका में 1916 ईस्वी में प्रकाशित है, ध्यान दें ये सरस्वती में 1916 में प्रकाशित है, ये सरस्वती में 1915 में है सौत। अब इसको कई जगह क्यों मान लेते हैं पंच परमेश्वर, क्योंकि सरस्वती में प्रकाशित जो पहले सीधे सीधे देवनागरी में लिखी गई है, क्योंकि इससे पहले जो सौत है ये तो उर्दू में लिखी जा चुकी है और उर्दू का अनुवाद करके छपी है, लेकिन जो पंच परमेश्वर कहानी आप देख रहे हैं ये इन्होंने सीधे सीधे देवनागरी में ही लिखी है और ये सरस्वती में प्रकाशित। तो इस प्रकार से यदि सौत विकल्प में नहीं होता है तो फिर पंच परमेश्वर उत्तर चलता है, एकदम प्रारंभिक दौर की कहानी है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई है और वह भी सीधे सीधे पहले देवनागरी में लिखी गई है। आप पंच परमेश्वर के बाद आप आ जाइए, कहीं कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि भाई प्रेमचंद की पहली कहानी तो बड़े घर की बेटी है, बिल्कुल। पर यह प्रसंग ऐसा है कि जब प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखते थे और जब इनको नया नाम मिला प्रेमचंद का, तो प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद ने यदि कोई पहली कहानी लिखी है तो उसका नाम है बड़े घर की बेटी। और ये कहानी इन्होंने कब लिखी है, 1910 ईस्वी में। तो यदि सवाल परीक्षा में इस प्रकार से आए कि प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से सबसे पहले कहानी कौन सी लिखी है, तो क्या उत्तर हो गया, बड़े घर की बेटी। अब रहा सवाल सोजे वतन का, सोजे वतन असल में कहानी नहीं बल्कि कहानी संग्रह है, तो आप ये कह सकते हैं प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, सोजे वतन। सोजे का मतलब होता है दर्द और वतन माने देश, तो देश का दर्द या देश का दुख इसका भावार्थ होता है। तो सोजे वतन के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह है, सोजे वतन पहला कहानी संग्रह है। अब इसमें भी कई जगह प्रकाशन वर्ष में कहीं तो लिखा आता है कि सोजे वतन 1907, कहीं लिखा मिलता है सोजे वतन 1908 और कहीं लिखा मिलता है सोजे वतन 1910। इसका रीजन ये है
कि सोझे वतन 1907 से लिखना शुरू हुआ था, लेकिन प्रकाशित डेट क्या है सोझे वतन की 1908। फिर 1910 क्यों मिलता है, क्योंकि 1910 में इसे जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो प्रकाशन डेट क्या याद रखेंगे हम, 1908, और सोझे वतन को जब्त कब कर लिया था, 1910। आप लोग यहां ध्यान रखेंगे कि प्रेमचंद के दो कहानी संग्रह ब्रिटिश सरकार ने जब्त किए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने जो जब्त किए थे, एक तो है सोझे वतन, तो सोझे वतन कब जब्त कर लिया था, तो सोझे वतन तो जब्त कर लिया था 1910 ईस्वी में। और एक कहानी संग्रह है समर यात्रा, और समर यात्रा कब जब्त कर लिया था, 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने समर यात्रा को जब्त कर लिया था। इन दोनों कहानी संग्रहों के जब्त करने की तारीख है ये। सोझे वतन का प्रकाशन वर्ष क्या मानेंगे, 1908। सोझे वतन इनका पहला कहानी संग्रह है। और ये जो सवाल उठते हैं यहां से कि फिर भाई इसमें परीक्षा क्या है, तो देखिए परीक्षा तो असल में बहुत बड़े आलोचक हैं प्रेमचंद साहित्य के, वो हैं कमल किशोर गोयनिका। तो कमल किशोर गोयनिका, और उसको अभी पुरस्कार भी मिला है उसकी रचना पर, कि प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, और इस रचना को, इस रचना में इन्होंने माना है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, परीक्षा, जो 1914 में प्रताप पत्रिका के विजयदशमी अंक में प्रकाशित हुई। तो ध्यान रखें यहां पर आप कमल किशोर गोयनिका, कमल किशोर गोयनिका के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञ हैं। और यदि इनकी चर्चित कृतियों की बात करें, चर्चित रचनाएं, तो देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, ये चर्चित आलोचना पुस्तक लिखी है कमल किशोर गोयनिका ने। इसके अलावा कमल किशोर गोयनिका ने प्रेमचंद विश्वकोश का संपादन किया है, प्रेमचंद विश्वकोश, ध्यान रहे कमल किशोर गोयनिका ने प्रेमचंद विश्वकोश का संपादन किया है। इसके अलावा इन्होंने प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं, प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं बहुत चर्चित आलोचना पुस्तक लिखी है, और इन्होंने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य, जिसमें इनकी अप्रकाशित कहानी और लेखों को संकलित किया है, और जिसके लिए गोयनिका धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य, इसका भी इन्होंने संपादन किया है। तो मित्रों इस प्रकार कमल किशोर गोयनिका प्रेमचंद साहित्य के वरिष्ठ आलोचक हैं, और इन्होंने जो ये पुस्तक है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, इसमें इनका कहना है कि प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है। गोयनिका के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी परीक्षा है, जो प्रताप पत्रिका जो कानपुर से निकलती थी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी से जुड़े हुए थे, बिजोलिया के किसान आंदोलन का प्रबल समर्थन करने वाली पत्रिका रही है प्रताप। तो गोयनिका के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी परीक्षा है, जो प्रताप पत्रिका के विजयदशमी अंक में उन्नीस सौ चौदह ईस्वी में
प्रकाशित हुई। कब? 1914 ईस्वी में। तो यदि कमल किशोर गोयनिका के अनुसार पूछ ले कि कमल किशोर गोयनिका ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा। इस प्रकार अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं बलिदान के बारे में कि बलिदान के बारे में क्या लिखा मिलता है। तो देखिए बलिदान ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह प्रेमचंद की किसान जीवन पर रचित पहली कहानी है। ध्यान रहे, प्रेमचंद की किसान जीवन पर रचित यह पहली कहानी मानी जाती है बलिदान। बलिदान का एक पात्र है गिरधारी, और तो प्रेमचंद की कहानी साहित्य का पहला किसान पात्र है गिरधारी। के पास 3 बीघा जमीन है। वो जमींदार तमाम षड्यंत्र करके, अत्याचार करके और आखिरकार गिरधारी की जमीन को हड़प लेता है। गिरधारी की बस एक ही इच्छा थी कि मैं अपनी जमीन पर किसान बना रहना चाहूं, लेकिन वो नहीं बन सकता। उसकी जमीन को हड़प लिया बेचारा परेशान होकर के, और इसी दुख में तिल तिल घुट करके मर जाता है। लेकिन मरने के बाद प्रेमचंद लिखते हैं कि वो जमींदार जब उसके खेतों में जाता है तो वह देखता है कि एक लंबी सफेद सी एक बड़ी आकृति उसके सामने खड़ी है। गिरधारी की आत्मा उसके सामने खड़ी है, और उसे देख करके जमींदार भागता है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि गिरधारी जो अपने जीते जी खेतों की रक्षा नहीं कर पाया, मरने के बाद जैसे उसकी आत्मा सत्याग्रह कर रही हो। तो एक किसान का किसानी के प्रति एक ऐसा मोह है जो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छूट पाता है। यह प्रेमचंद की किसान जीवन पर लिखी गई पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की किसान जीवन पर लिखी गई अंतिम कहानी कौन सी है? पूस की रात। उसका उत्तर आप कफन नहीं करेंगे, पूस की रात। पूस की रात यह किसान जीवन पर लिखी गई प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, जिसमें कौन कौन पात्र हैं? हल्कू है, और मुख्य तौर से जबरा हल्कू की पत्नी है। जबरा इसमें कुत्ते का नाम होता है। अब इसमें देखिए, और इस कहानी में क्या आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार हल्कू की फसल को नील गाय समाप्त कर चुकी है, और इतनी कड़ाके की ठंड में वह जो है किस प्रकार अपने खेत की रक्षा करता है, लेकिन वह उस दिन सर्द रात को भयानक अंधेरी ठंडी रातों में खड़ा नहीं हो पाता है। सुबह देखता है तो पूरी फसल चौपट हो जाती है, और वह अपनी बर्बाद फसल को देख करके मुस्कुराता ही है। चलो अच्छा हुआ, अब जाड़ू की रात यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मित्रों, ये किसान की किसानी से मोहभंग की पीड़ा है। तो किस प्रकार 1918 से लेकर के 1930 के समय में आखिर कृषि औपनिवेशिक तंत्र में कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं कि 1930 तक आते आते किसान की किसानी से ही मोहभंग की पीड़ा देखने को मिलती है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसान का अपनी किसानी से मोहभंग हो जाए तो भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, जो कि पूरा कृषि प्रधान देश है। तो इस प्रकार प्रेमचंद की केवल कहानियां और उपन्यास भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा की पूरा इतिहास प्रेमचंद का यह साहित्य बयान कर देता है। संपूर्ण उत्तर भारत के किसानों की गाथा को तो कहता ही है, लेकिन अपने युग के इतिहास को भी बहुत अच्छे से परिभाषित कर देता है। तो मित्रों, इस प्रकार ध्यान रखेंगे, बलिदान प्रेमचंद की किसान जीवन पर लिखी गई पहली कहानी है, तो प्रेमचंद की किसान जीवन पर लिखी गई पूस की रात इनकी अंतिम कहानी है। फिर आप कहोगे तो फिर कफन क्या है जो 1936 में अंतिम रूप में लिखी गई कहानी है? तो कफन तो किसान जीवन पर लिखी गई कहानी नहीं है ना, कफन तो दलित जीवन को आधार बना करके लिखी गई कहानी है। तो ये बात सही है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, लेकिन कफन किसान जीवन को नहीं, दलित जीवन दलित चेतना को आधार बनाती है। आप देखेंगे रामविलास शर्मा ने क्या कहा है। रामविलास शर्मा ने पूस की रात को कहानी को पूस की रात कहानी को गोदान का लघु संस्करण कहा है कि यह तो गोदान का लघु संस्करण है।
भूदान का लघु संस्करण कहा है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर ये दो कहानियां और बच गई, पहले के संदर्भ में दुनिया का अनमोल रतन और इसके दुनिया में हुबे वतन। तो देखो ये दुनिया का अनमोल रतन है, ये असल में पहली सोजे वतन कहानी संग्रह जो पहले का संस्करण है उसमें शामिल पहली कहानी हुआ करती थी। दुनिया का अनमोल रतन सोजे वतन कहानी संग्रह की पहली कहानी हुआ करती थी दुनिया का अनमोल रतन। फिर तो कई संस्करण इसके आए, कहानियों को ऊपर नीचे भी कर दिया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में इसको कई बार पहली कहानी के रूप में याद करते हैं कि सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित पहली कहानी। और ये जो आप देख रहे हो ये सांसारिक प्रेम और देश प्रेम है, इसके दुनिया और हुब्बे वतन को क्या कहेंगे? सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। वतन माने देश, हुब्बे माने प्रेम, इसके दुनिया की सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। और ये इटली के स्वाधीनता आंदोलन को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है। तो अब आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, यह इटली के स्वाधीनता आंदोलन को आधार बनाकर लिखी गई कहानी कौन सी है? इसके दुनिया व हुब्बे वतन। तो इस प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि वैदेशिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर प्रेमचंद ने पहली कौन सी राष्ट्रीय कहानी लिखी है? पहली कौन सी कहानी लिखी है राष्ट्रीय प्रेम को व्यक्त करने के लिए, जहां इटालियन स्वाधीनता आंदोलन को आधार बनाया गया हो? तो वो हो जाएगी इसके दुनिया हुब्बे वतन। तो इस प्रकार पहली कहानी के रेस में जो सौत है या पंच परमेश्वर है, बलिदान या परीक्षा है, इनके रेफरेंस मैंने आपको समझाए हैं कि प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से जो पहली कहानी लिखी वो थी बड़े घर की बेटी। और आम तौर से जो प्रश्न आता है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, तो उसका सामान्यतः उत्तर क्या निकलता है? सौत। सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। और जो पंच परमेश्वर इनकी जो पहली आदर्शवादी कहानी है, ध्यान रखेंगे इस मामले में, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई तो 1916, उसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। तो मित्रों ये इनकी कहानियां हैं। वैसे तो सोजे वतन की आप कहानियां यदि पढ़ते हैं, सोजे वतन में संकलित कहानियां, उसमें इसके दुनिया, हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा सच है, शेख मखमूर और सिले मातम यानी शोक का पुरस्कार, ये सब कहानियां इनकी है। ध्यान रहे इंडियन प्रेस एक्ट के तहत सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने कब जब्त कर लिया था? 1910। ये आप लिखना चाहो तो इस बिंदु को लिख सकते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट के तहत, इंडियन प्रेस एक्ट के तहत 1910 ईस्वी में सोजे वतन को जब्त कर लिया था। तो प्रेमचंद के कितने कहानी संग्रह ब्रिटिश सरकार ने जब्त किए? दो कहानी संग्रह। और ये जो दो कहानी संग्रह जब्त किए हैं, ये कहानी संग्रह में एक तो समर यात्रा आपको याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है क्या? सोजे वतन। तो प्रेमचंद के संदर्भ में ध्यान रखना है, प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों में कहानियां लिखी हैं, लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, और मानसरोवर के कितने खंडों में देखने को मिलती है? तो 8 खंडों में। अब देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिंदी में, उर्दू में भी कहानी संग्रह लिखे हैं। मेरे बेहतरीन अफसाने, आखिरी तोहफा, मेरे बेहतरीन अफसाने, आखिरी तोहफा, ये वो है जो उर्दू संग्रह है, प्रेमचंद के उर्दू संग्रह। जादे रहा है ना, जादे रहा, क्या लिखेंगे आप? ये इनके उर्दू कहानी संग्रह हैं, प्रेमचंद के ये उर्दू कहानी संग्रह हैं, जो इनके निधन के बाद में जो और उर्दू कहानी संग्रह आए उनमें दूध की कीमत, वारदात, देहात के अफसाने, दूध की कीमत, देहात, सब उर्दू कहानी संग्रह है इनके। एक देहात के अफसाने,
इस प्रकार प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी दोनों में कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं, और अन्य कहानी संग्रहों में ध्यान रखेंगे प्रेम पचीसी, प्रेम पतीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम बत्तीसी, प्रेमचंद के अन्य कहानी संग्रह। तो मानसरोवर में तो है ही, इसके अलावा सप्त सरोज और नवनिधि, सप्त सरोज व नवनिधि। वरना यहां आपको भ्रम हो सकता है, आपसे पूछ लेंगे भाई प्रेम पचीसी या प्रेम पूर्णिमा, तो फिर यह आपको लग सकता है यार प्रेमचंद प्रेम पे कहां लिखते थे। तो ये इनके कहानी संग्रहों के नाम है, इस नाम से भी कहानी संग्रह इनके मिलते हैं, और जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिए हैं वो तो दोनों आपको तारीख समेत याद रखने हैं। 1910 में सोजे वतन को जब्त कर लिया और 1932 में समर यात्रा को जब्त कर लिया। प्रेमचंद की अप्राप्य और अप्रकाशित रचनाओं को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण कृतियों में गुप्तधन, ध्यान रखेंगे गुप्तधन, अमृत राय ने गुप्तधन का संपादन किया, गुप्तधन का संपादन किया। लेकिन आप ही बताएंगे कि गुप्तधन में किसकी कहानियां मिलती हैं? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की वो कहानियां, वो रचनाएं जो अप्राप्य हैं, जो उस समय प्रकाशित नहीं हो सकी थी, ध्यान रहे। और कमल किशोर गोयनिका की तो आपने एक लिखी दी है, क्या प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य, आपसे पूछ लेंगे कि प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य इसके संपादक कौन है, कमल किशोर गोयनिका, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि गुप्तधन के संपादक कौन है, अमृत राय। लेकिन पूछा जाए कि गुप्तधन में कौन विवेच्य है, यानी विवेच्य का मतलब गुप्तधन में किसकी रचनाएं मिलती हैं, तो किसकी मिलती है, प्रेमचंद की। अब प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के नाम जो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, और बल्कि वो तारीख सहित पूछ सकते हैं, उसका प्रकाशन वर्ष क्रम से लगवा सकते हैं। तो प्रेमचंद की कुछ कहानियों के संदर्भ में आप देखिए, सबसे पहले सौत तो आपको याद ही, 1915 पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की चर्चित कहानियां, प्रेमचंद की चर्चित कहानियां, प्रेमचंद की चर्चित कहानियों में सौत का प्रकाशित 1915 ईस्वी, पंच परमेश्वर, अब हम बात केवल ईस्वी सन में ही करेंगे, ध्यान रखेंगे। और बलिदान, उसकी डेट आपने बताई अभी, अभी आपने लिखी 1918, विध्वंस 1922, बलिदान 1918 ईस्वी, विध्वंस 1922 ईस्वी, किस प्रकार एक सामंतवादी परिवेश को एक बुढ़िया जलाकर नष्ट कर देती है। प्रेमचंद के साहित्य में पात्रों के नाम बहुत सोच समझ करके लिखे रखे गए हैं। आत्मराम कहानी चर्चित है 1920 में, बूढ़ी काकी 1921 में, आत्माराम 1920 में, बूढ़ी काकी इनकी बहुत ही चर्चित आदर्श और यथार्थ का समन्वय करने वाली कहानी है। यदि प्रेमचंद की किसी एक कहानी में ही आपको आदर्श और यथार्थ को बहुत अच्छे तरीके से खोजना हो तो बूढ़ी काकी में आप खोज सकते हैं। हार की जीत 1922 में इन्होंने कहानी लिखी, विचित्र होली 1921 में इनकी कहानी है, विचित्र होली, हार की जीत, जबकि ध्यान रखेंगे हार की जीत कहानी जो बहुत ज्यादा चर्चित है और इस नाम का संग्रह भी लिखा है वो सुदर्शन की प्रसिद्ध है। यदि कभी ऐसे ही सवाल आ जाए कि हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है, और दोनों विकल्प यदि मिलते हैं उसमें, तो हम प्रेमचंद के स्थान पर सुदर्शन उसका उत्तर करेंगे, ये ध्यान रहे। इसके अलावा इनकी कहानियों में आप देखिए सवा शेर गेहूं, तो इनकी आपको डेट याद रखना है, सवा शेर गेहूं तो महाजनी सभ्यता के कलंक को उजागर करती है, तो
तो सवा शेर गेहूं 1924 में, सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी में। इसके बारे में तो आप ये और नोट करेंगे कि महाजनी सभ्यता का चित्रण करती है कहानी, जो सूदखोर होते हैं, ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज के पीढ़ियां निकल जाती है लेकिन ब्याज नहीं चुकता है, उस समस्या को रूपांतरित करती है कहानी सवा शेर गेहूं। शतरंज के खिलाड़ी बहुत चर्चित कहानी है इनकी, 1925 में। शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में, इतिहास की विडंबनाओं को यहां रूपायित किया गया है अवध के संदर्भ में। और एक कहानी इनकी कजाकी, बहुत चर्चित कहानी है कजाकी, 1926 ईस्वी में इनकी कहानी जो कजाकी है, ये बाल मनोविज्ञान को आधार बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, बच्चों को बहलाने वाला काबुली वाला, बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती कहानी है ये कजाकी, जो बाल मनोविज्ञान पर भी जो है प्रेमचंद ने कलम चलाई। और सुजान भगत 1927 में, बहुत अच्छी कहानी है सुजान भगत, एक कहानी सुजान भगत और एक कहानी है इनकी अलग्योझा। अलग्योझा होता है अलगाव, अलग अलग हो जाना। तो सुजान भगत 27 में है और अलग्योझा, डेट भी आप इनकी नोट करेंगे, 1927 ईस्वी और अलग्योझा 1929 ईस्वी। अलग्योझा अलग होने के संदर्भ में है, दोनों भाइयों में बंटवारा जो होता है अलग्योझा। इसके अलावा पूस की रात की हमने बात की, तावान 1931 में, पूस की रात 1930 में, पूस की रात 1930 ईस्वी में, तावान बहुत चर्चित कहानी है 1931 ईस्वी में। प्रेमचंद की वे कहानियां जो उनकी विशिष्ट पहचान बनाती है, ठाकुर का कुआ 1932 में, ठाकुर का कुआ 1932 में। वैसे 1930 के बाद तो प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी हैं जो वास्तव में प्रेमचंद की प्रसिद्धि का आधार बना। ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर पाती है, गंगू किस प्रकार से नाली का बदबूदार पानी पीने के लिए बाध्य है, ईदगाह कहानी कौन भूल पाएगा बाल मनोविज्ञान को आधार बनाती है, हामिद का चिमटा। तो 1933 में कहानी आई थी इनकी ईदगाह, 1933 ईस्वी में ईदगाह, यह भी कहानी बाल मनोविज्ञान को आधार बनाती है, किस प्रकार अपनी बूढ़ी माँ की देखरेख करने के लिए मेले में एक बच्चा अपनी तमाम इंद्रियों को नियंत्रित करता है और चिमटा खरीदता है। और नशा कहानी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी रहती है, 1934 में इनकी दो कहानी बहुत चर्चित है, एक नशा और एक बड़े भाई साहब, नशा और बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब बेहद चर्चित कहानी है और शिक्षा जगत की जो विडंबनाएं हैं, रटंत पद्धति है भारतीय शिक्षा पद्धति की, वो सब यहाँ उभारी है। कहानियां दोनों ही 1934 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं। नशा कहानी, किस प्रकार एक गरीब दोस्त भी अमीर दोस्त के साथ जाकर के बड़प्पन का शिकार बन जाता है। और फिर हम जानते ही हैं कि इनकी जो अंतिम महान कहानी है वो तो कफन कहानी है। कफन कहानी 1936 ईस्वी में दलित जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है, दलित जीवन को आधार बनाकर, जिसके चर्चित पात्रों में घीसू है, मधुआ है। तो घीसू और माधव, मधुआ नहीं इसको माधव कहेंगे, घीसू और माधव, और जो माधव की पत्नी है बुधिया। हैरानी की बात यह कि कुछ लोग और दलित लोग ही इस कहानी को जलाते हैं कि कफन कहानी में दलितों के जीवन को गिरा करके दिखलाया गया है। अरे आप प्रेमचंद की कहानियों की संवेदना को ठीक से समझे तो सही।
इसमें लोगों ने आरोप लगाया कि घिस और माधव को कामचोर बताया गया है कि वो जाकर के वो माधव जाता है और किसी खेत में से आलू चोरी करके ले आता है, कुछ कमाता वमाता तो है नहीं है और चोरी करके खाते हैं। तो दलित लोग आरोप लगाते हैं कि प्रेमचंद सवर्ण मानसिकता से दलितों को देखते हैं, तो दलितों की पीड़ा का एक प्रकार से वो मजाक सा उड़ाते हैं। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि दलितों को इस कहानी में गिराकर दिखलाया है और आरोप लगाया है कि बुधिया जो प्रसव पीड़ा से कलप रही है उसको ना देख करके दोनों घिसु और माधव अलाव में आलू सेकते हुए घटक कर खा रहे हैं। तो दलित इतने संवेदनाहीन कैसे हो जाते हैं? और जब बुधिया मर गई तो उसके पैसों से जो पैसे चंदा मिला उससे भी वो जो है शराब पीते हैं और उसमें पूरी सब्जी खाते हैं। तो आखिर इतना कोई संवेदनाहीन संवेदना शून्य मनुष्य कैसे हो सकता है, ये बिंदु उठाए गए। मित्रों मैं आपसे पूछता हूं कि जिस व्यक्ति के पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, जो भूखा है, उसके लिए सबसे प्रधान जो बात शेष रह जाती है वो यह कि वो अपने पेट की पूर्ति कैसे करे। ये धर्म नैतिकता दर्शन ये तमाम सवाल केवल उनके लिए हैं जिनका पेट भरा है। जो भूखा है, जो भूख की नियति भूख की विडंबना को जानता है, उसके लिए सबसे बड़ा जो कार्य है वो है अपने प्राणों के संकट का निवारण करना, अपने उदर की पूर्ति करना। घीसु और माधव को कामचोर कहना ठीक नहीं है। आप उस व्यवस्था पर सवाल उठाइए जिन्होंने घीसु और माधव जैसे लोगों को पैदा किया है। प्रेमचंद ने लिखा है कि उस समाज के बहुत सारे लोग दिन रात काम करने के बाद ही भूखे मरते हैं। मैं पूछता हूं जब दिन रात काम करके भी भूखा मरना ही नियति है तो यदि घीसु और माधव काम ना करके भूखा मरते हैं तो वे कामचोर कहां हुए? वो तो फिलोसोफर हुए, वो तो दार्शनिक हुए जो अपनी नियति को पहचानते हैं कि जिस समाज में श्रम का कोई मूल्य नहीं है वहां भला कोई काम करके भूखा कैसे मरे? इससे बढ़िया है तो बिना काम करे ही भूखा मरे, तो वो कामचोर नहीं है, वे तो दार्शनिक हैं। और रहा सवाल बुधिया के छटपटाने का और प्रसव पीड़ा में इसको देख रेख नहीं कर रहे हैं, ये भूख की नियति है। घीसु और माधव दोनों जानते हैं कि दोनों में से जो भी उठकर उसको देखने जाएगा शेष बचा आलू को घटक कर जाएगा, क्योंकि वो आलू खा नहीं रहे हैं, आलू निगल रहे हैं और आलू निगलने की प्रक्रिया में उनका तलवा भी जल रहा है। तो वो जानते हैं कि आज मौका मिल गया चोरी करने का, कल का पता नहीं है, तो ये भूख की विडंबना है। तो आखिर ये सभ्य समाज की कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के जीवन में भूख की इतनी गहरी विडंबनाओं को पैदा करता है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि घीसु और माधव बुधिया को क्यों नहीं देख रहे हैं, सवाल ये है कि भूख की प्रताड़ना और ये विडंबनाओं विद्रूपताओं की सृष्टि समाज में हो रही है, आखिर ये किसकी देन है? और यदि घीसु और माधव को जो पैसे मिलते हैं उससे वो कफन ना खरीद करके शराब पी जाते हैं, शराब पीकर कैसी बात करते हैं कि देखो ये समाज कितना बनावटी है, जीते जी जिसको तन ढकने के लिए एक चिथड़ा नसीब ना हो मरने के बाद उसको कफन दिया जाता है, नया कफन। अब कबीरदास की पंक्ति याद आती है जहां उन्होंने कहा है कि हमें का ओडावे चदरिया चलती ब्रिया, प्राण राम जब निक्सन लागे छूट गई सब महल अटरिया। अरे अब जब हम जा रहे हैं तो हमको तुम चादर भी उड़ा रहे हो तो उससे क्या है? तो घीसु और माधव ऐसे समाज का बहिष्कार करते हैं जो दिखावे का आरोपित जीवन जीते हैं, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और वो चंदा भी इसलिए मिल जाता है घीसु और माधव को ताकि सभ्य कहलाने वाली उन नाकों में बुधिया के लहास की सड़ा दुर्गंध उनकी नाकों में ना जाए। ऐसे समाज का ये बहिष्कार करते हैं। तो इस प्रकार से घीसु और माधव की जो ये कहानी है कफन, ये दलितों के विरोध की कहानी नहीं है, इसको समझने का फेर है, बल्कि सच तो यह है कि यह कहानी दलित चेतना की कहानी है और इस कहानी का भाव गांभीर्य इतना गहरा है कि सतही रूप से देखने पर हम कुछ अन्य ही अर्थ निकाल पाते हैं। तो मित्रों इस कहानी की सही संवेदना को जानना बहुत जरूरी है। तो इतनी महान कहानियां प्रेमचंद ने लिखी है और प्रेमचंद के यहां से निश्चित है कि कहानियों का एक कोई क्वेश्चन कालक्रम वाला बनाया जा सकता है। तो इन पहलुओं को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण बड़े कहानीकार की हम बात करते हैं तो वो कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की कहानियों में वर्ग संघर्ष भले मिल जाएगा लेकिन जयशंकर प्रसाद आत्मिक साम्य की बात करते हैं, इसलिए इनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष की वह चेतना नहीं मिलती है। इनके यहां सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भरपूर मात्रा में मिलती है।
इनकी पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी है ग्राम। पहली कहानी ग्राम का प्रकाशित हुई 1911 ईस्वी में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यदि इनकी अंतिम कहानी पूछे आपसे, तो इनकी अंतिम कहानी है सालवती। सालवती कहानी 1936 ईस्वी में। वैसे तो यह भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कहानी है, क्योंकि वैशाली के गणतंत्र को आधार बनाती है, लेकिन ये वैश्य जीवन की समस्या को उठाने वाली कहानी है। वैश्य जीवन जो सामाजिक समस्या है, तो ये सामाजिक श्रेणी सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में है, तो मूल रूप से सामाजिक कहानी मानी जाएगी। सालवती इनकी पहली कहानी है ग्राम, और सालवती इनकी अंतिम कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने वैश्य जीवन की समस्या को महसूस करने के लिए वैश्यालय के कोठे की छत पर बैठकर के ये सालवती कहानी लिखी है। और जयशंकर प्रसाद के कुल कहानी संग्रहों की बात करें, लगभग 70 कहानियां लिखी है इन्होंने, ध्यान रहे, इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी है। और इन्होंने कितने कहानी संग्रह लिखे हैं? 5 कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं। ये निश्चित है कि कई परीक्षाओं में सवाल पहले भी आया हुआ है और पुनः आ सकता है। इनके कहानी संग्रहों का क्रम में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इनका छाया है, छाया के बाद इनका प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है, फिर इनका कहानी संग्रह आया आकाशदीप, आकाशदीप और इसके पश्चात इनका एक कहानी संग्रह आंधी, और अंतिम कहानी संग्रह है इनका इंद्रजाल। तो ये इनके 5 कहानी संग्रह है, 1912, 26, 29, 31 से प्रकाशित हुए 1912 ईस्वी, क्योंकि हो सकता है कि वो इनका प्रकाशन वर्ष देकर के आपसे ये छटवाए कि भाई इनका प्रकाशन कब कब हुआ। तो जो इनका छाया कहानी संग्रह है, इनका पहला कहानी संग्रह है, दूसरा 26 में है 1926 ईस्वी, आकाशदीप का 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, आंधी का 1931 में, और इंद्रजाल जो इनका अंतिम कहानी संग्रह है पांचवा, वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात आप पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि मनुष्य की क्षुद्रता में महानता का संधान करना, या मनुष्य की उठती गिरती भावनाओं का चित्रण करना, या लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा किस कहानीकार का सच है? जयशंकर प्रसाद कहानीकार का सच है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, हिंदी मातृभाषा की सेवा करने वाले जो महान भोजपुरी कहानीकार हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, उग्र है, ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद, प्रसाद, उग्र, भारतेंदु, ये सब की सब भोजपुरी हैं। हिंदी मातृभाषा की सेवा करने वाले ये बड़े साहित्यकार भोजपुरी से ही आए हैं, हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी चर्चित कहानियां हैं? यदि हम चर्चित कहानियों की बात करेंगे, तो चर्चित कहानियों में चूड़ी वाली, देवदासी, देवरथ, स्वर्ग के खंडर में, रमला, बिसाती, छोटा जादूगर, बेड़ी, गुंडा, मधुआ, सुनला सांप, विराम चिन्ह,
विराम चिन्ह तो इनकी दलित जीवन पर लिखी गई एकमात्र कहानी है। दलित जीवन पर लिखी गई इनकी एकमात्र कहानी कौन सी है? विराम चिन्ह। और ध्यान रखें, एक कहानी ममता जो कोर्सों में चलती है, गुंडा कहानी इनकी महत्वपूर्ण आदर्शवादी कहानी है जो प्रेमचंद की परंपरा में आती है। गुंडा कहानी, काशी का गुंडा, विरामचिन कहानी एकमात्र दलित जीवन को आधार बनाती है। विधवा जीवन की समस्या पर इन्होंने बहुत चर्चित कहानी लिखी है। विधवा जीवन के ऊपर ममता कहानी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनकी सभी कहानी, लगभग कहानियों में विशेषता मिल जाती है। इसमें आप एक कहानी देख रहे मधुवा, इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यद्यपि जयशंकर प्रसाद ने अपनी लगभग सभी कहानियों में अपनी जो कवित्वमय संस्कृत निष्ठ भाषा है तत्सम प्रधान शब्दावली उसका प्रयोग किया है, लेकिन इनकी एक कहानी इसका अपवाद है और वो है मधुवा, क्योंकि मधुवा में तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तद्भव प्रयोग इनकी एकमात्र कहानी मधुवा में देखने को मिलता है। ऐसी भाषा मिलती है इसमें, आज कई दिन हुए शराबी को शराब पिए। मुझसे भी एक बार साक्षात्कार में, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार में क्वेश्चन पूछा था कि जयशंकर प्रसाद की एक कहानी इसका अपवाद है जहां उन्होंने तत्सम की जगह तद्भव शब्दावली का चयन किया है, तो उसका उत्तर है मधुवा। इस प्रकार मित्रों लगभग 70 कहानी, 5 कहानी संग्रह में जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं, और जयशंकर प्रसाद की कहानियों में ऐतिहासिकता का तत्व, सांस्कृतिक तो उन्नति का तत्व, एक इनकी कहानी है शरणागत, शरणागत जिसमें मुस्लिम दंपति है वाटसन और एलिस, उनको एक जमींदार के यहाँ शरण मिलती है, तो किस प्रकार शरणागत वत्सलता का भाव है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी में मिलता है। एक बहुत अद्भुत जो सवाल है वो ये है कि ऊपरी तौर पर हम कह देते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी कहानियों में की है, पर वास्तव में आप गहराई से देखिए तो प्रसाद के उपन्यास हो या प्रसाद के एकांकार उपन्यास को छोड़ करके, चाहे वो तितली हो, चाहे वो इरावती हो, या इनके संपूर्ण नाटकों में या कामायनी जैसे महाकाव्य में स्त्री पात्र पुरुष की प्रेरणा शक्ति बनती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में स्त्री पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में उभरती है। चंद्रगुप्त नाटक में अलका गीत गाती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, या आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना जैसा पात्र है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इनकी कहानियों में स्त्री पात्र बहुत कमजोर, कहीं भीख मांगती हुई, चूड़ी वाली, चूड़ी बेचती है, कहीं वो देवदासी है और देवरथों के कुचक्रों के नीचे शोषण के लिए पेश जाने के लिए मजबूर है, और स्वर्ग के खंडर में मैना गीत गाती है कि मैं पथ भूली बुलबुल हूँ, हे मेरे अपरिचित कुंज जो तनिक विश्राम करने दो, यकीन मानो मैं सुबह अपने इस विश्राम का मूल्य एक तान सुनाकर चली जाऊंगी। तो यहाँ स्त्री भागती, परेशान होती दिखलाई देती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों में ज्यादा यथार्थवादी नजर आते हैं, और स्त्री संदर्भ में तो यहाँ पर स्त्रियों की बुनियादी जो पीड़ा है वो यहाँ अभिव्यक्त होती है, तो ये अपने उपन्यास और अपने नाटक और अपने काव्य से एकदम अलग यथार्थवादी कहानीकार के रूप में अपनी छवि उठाते हैं। और ये बात साबित होती है कि लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा या मनुष्य की क्षुद्रता में महानता का संधान कहानीकार जयशंकर प्रसाद का सच बनकर के उभर कर आया है। तो मित्रों ये बात हुई जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में। तो हमने आज की क्लास में दो बड़े कहानीकार प्रेमचंद युग के विश्लेषित किए हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, और इसके पश्चात अन्य कहानीकारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।